सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा दौरा है, ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अंबाला और सोनी, अंबाला में दोपहर 2:45 पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बंतो कटारिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अंबाला से बीजेपी के प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया। शाम 4:45 पर गोहाना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोहनलाल बड़ौली के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आज पूरे दिन का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 4:45 पर पहुंचेंगे। सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी हैं मोहनलाल बड़ौली, उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो आज हरियाणा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज कई रैली भी करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अंबाला सोनीपत में भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और आपको बता दें कि प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री कहां और कब कब जाएंगे। सोनीपत में भी पीएम की मेगा रैली होगी। मोहनलाल बड़ौली के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो आज हरियाणा के दौरे पर हैं, हरियाणा की धरती पर आज पधारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि कई जगह पर जनसभा करेंगे, रैली भी करेंगे। अंबाला सोनीपत में पीएम की चुनावी रैली है, इसमें बंतो कटारिया के लिए यहां पर प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो सोनीपत में भी होगी प्रधानमंत्री की रैली। मोहनलाल बड़ौली के लिए भी वोट मांगेंगे। 4:45 का वो समय होगा जब पहुंचेंगे। अंबाला में 20,000 कुर्सियों की यहां पर व्यवस्था की गई है। गोहाना में 15,000 कुर्सियों का प्रबंध किया गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती, चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज हरियाणा के दौरे पर हैं, हरियाणा आएंगे और जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो अंबाला में 20,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। गोहाना में अगर बात की जाए तो गोहाना में 15,000 कुर्सियों की प्रबंध की गई है। पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से तैनात किया गया है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10 लोकसभा सीट पर चुनाव और एक उपचुनाव भी करनाल से है। तो आज प्रधानमंत्री 10 सीटों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ौली के लिए भी वोट के प्रचार करते हुए यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। अंबाला में भी बंतो कटारिया के पक्ष में प्रधानमंत्री आज चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, चारों तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा की धरती पर जब प्रधानमंत्री पधारेंगे उस समय क्या होगा, किसके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो दूसरी तरफ ग्राफिक्स में आप ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से 10 लोकसभा सीट पर कौन कौन उम्मीदवार कहां कहां से है। तो लोकसभा का चुनाव प्रचार तेज हो गया है, हर पार्टियों की ओर से अपने दम ढोकने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज हरियाणा के धरती पर पहुंचेंगे और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी देखा गया है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है। कैबिनेट मंत्री से लेकर कई दिग्गज मंत्री भी जायजा ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला में बंतो कटारिया के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मोहनलाल बड़ौली के लिए भी वोट मांगेंगे। तो आज हरियाणा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कितने बजे प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे। तो अंबाला में बंतो कटारिया के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोनीपत में भी प्रधानमंत्री की मेगा रैली होगी। मोहनलाल बड़ौली के लिए भी वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अंबाला में 20,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। गोहाना की बात की जाए तो गोहाना में 15,000 कुर्सियों का प्रबंध किया गया है। तो आज प्रधानमंत्री चुनावी समा बांधते हुए नजर आएंगे हरियाणा में। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10
और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करेंगे। करनाल से उपचुनाव होना है, इसको लेकर के भी जनता में समा बांधते हुए भी नजर आएंगे, जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी अंबाला से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस, आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं हरियाणा के धरती पर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और किस तरह की वहां पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं? तो सीधे आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री हरियाणा के धरती पर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है, तैयारियां किस तरह की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अंबाला से जुड़ चुके हैं बीएस गुलियानी। बीएस, वहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं और तैयारियां किस तरह की है, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। जो है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कल से ही जो तैयारी है पूरे जोर शोर के साथ की जा रही थी, क्योंकि थोड़ा समय था रैली में और इसको लेकर जो है कार्यकर्ता है जो बीजेपी के पार्टी के जो नेता है वो बड़ी ही उत्साह के साथ तैयारियों में लगे हुए थे। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि जो अंबाला शहर की पुलिस लाइन में ये रैली होने वाली है और वहां पर जो है आस पास जो एक सर्च अभियान भी चलाया गया था, उसके बाद घरों में जो है घरों की छतों के ऊपर जो है सुरक्षा फोर्स जो है वो खड़ी हुई है और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, हैवी व्हीकल जो है उनको शहर के अंदर जो है एंट्री उनके लिए बैन कर दी गई है और इसके अलावा जो है केवल जो रैली में जाने वाली बसेज या वाहन है वो ही शहर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। जी बीएस, वहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं अंबाला में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ हरियाणा के कौन से ऐसे मंत्री हैं, कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे? जी, अगर मैं बड़े नेताओं की बात करूं तो अनिल विज जो के पूर्व गृह मंत्री है वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर असीम गोयल है हरियाणा राज्य परिवहन मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो प्रदेश भर के बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रत्याशी है भाजपा के बंशो कटारिया उनके पक्ष में आज जो प्रधानमंत्री है वो वोट मांगने वाले हैं और यहाँ पर लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि अंबाला में जो प्रधानमंत्री है वो पिछले 10 साल में आज पहली बार पहुंचने वाले हैं तो इसलिए लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। बीएस, एक तरफ बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 25 मई को चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं हरियाणा के धरती पर, यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरह से टिकट को लेकर लेट लतीफ देखा गया, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कोई भी शीर्ष नेतृत्व अब तक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए नहीं उतरा है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? जी, अगर मैं अंबाला की बात करूं तो यहाँ से काफी देर से जो है वो टिकट मिला है वरुण मुलाना को, अंबाला भाजपा अंबाला जो लोकसभा सीट है उससे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो उनके पक्ष में अभी 2 दिन पहले ही चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा व उदयवान यहाँ पर प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कई जगह जनसभाएं करके लोगों से वोट की अपील भी की थी। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि कांग्रेस का टिकट जो है काफी विलंब से डिक्लेयर हुआ था तो उसको लेकर जो है उन्हें काफी कम समय मिल रहा है अपना चुनाव प्रचार करने में। बीएस, प्रधानमंत्री के पहुंचने से कितना फर्क दिखाई देगा जनता के बीच में, क्योंकि पिछले समय की अगर बात करें तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि 10 की जो 10 सीटें हैं वो उनके पास रहे और प्रधानमंत्री इसी कड़ी में अब हरियाणा के धरती पर आज उतरने वाले हैं, तो कितना प्रधानमंत्री के उतरने से क्या कुछ फर्क नजर आएगा? जी देखिए, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ भी जाते हैं तकरीबन जो है वहाँ के प्रत्याशी को काफी उस चीज का फायदा मिलता है, लेकिन 2 बड़े फैक्टर यहाँ पर हैं क्योंकि एक तो जो किसान आंदोलन चल रहा है जिसके चलते काफी जो अंबाला क्षेत्र है यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में किसान है जिसके कारण उनमें जो रोष है उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं जो है इन चुनावों पर पड़ सकता है। तो अभी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वो है लाभ मिलने की भाजपा प्रत्याशी को उम्मीद दिखाई दे रही है। बीएस, एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि अपने दर्शकों को दिखाइए कि आप जहां पर मौजूद हैं तैयारियां किस तरह की हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह का वहां पर इंतजाम किया गया है।
जी मैम, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जहां रैली स्थल है उससे काफी दूर तक वहां पर जैमर लगे हुए हैं, वहां पर रेंज नहीं आती, इसलिए वहां पर जो है वहां पर दृश्य अभी दिखा पाना बहुत संभव है, इसलिए हम अभी हिंदा रोड पर खड़कर यह बातचीत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अभियस गुलिया ने तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के धरती पर उतरने वाले हैं और आज अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। 25 मई को यहां पर चुनाव है और चुनाव से पहले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए उतरेंगे आज।